एक चीज तो रह गई थी और मैंने छोड़ी के अंत में उसको टच करूं राष्ट्रगान से पहले। एक तो आज जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे जिन्हें इस हमारे 73rd रिपब्लिक डे परेड में अपनी पार्टिसिपेशन किसी भी प्रकार से दी, मैं मेरी डिस्क्रिप्शन से 5 लाख रुपए सबके बीच में जोरदार तालियों के साथ अभिवादन अभिनंदन कीजिएगा। और साथ में जो आपके डिप्टी कमिश्नर ने इनिशिएटिव लिया कि हमारे तमाम शहीदों को उनके स्कूल के साथ जोड़कर नमन किया जाए, जिस जिस शहीद का आज तक स्टैचू जींद जिले में नहीं लगा, मैं मेरी डिस्क्रिप्शन से 21 लाख रुपए देता हूँ कि डिप्टी कमिश्नर उन तमाम शहीदों के भी स्टैचू अपने जिले में लगाने का काम करें, उन लोगों को हम याद करते रहे। साथ में ये वादा आपको करता हूँ कि हमारे कई ऐसे अनसंग हीरोज है पूरी स्टेट में जिनको हम याद तो जरूर गाँव लेवल पर चल लेते हैं, मगर उनको कहीं भी हम याद रखने के लिए परमानेंट जगह नहीं दे। एक दिन गांव में गौरव पट नहीं लगे, ये एक साल का आज हम टारगेट लेते हैं कि अगली 26 जनवरी से पहले पहले हरियाणा प्रदेश के तमाम 170 पंचायतों के अंदर गौरव पट भी पूरी तौर पर लगाएंगे और उन हीरो को भी उनके योगदान के लिए सम्मानित करने का काम करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है और साथ में पूरे हरियाणा में अगले एक महीने के अंदर अंदर जो भी हमारा वीर योद्धा इस देश के लिए बॉर्डर पर खड़ा होकर शहीद हुआ है उसके गांव के स्कूल को उसके लिए सम्मानित करने का काम करेंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि कॉलेज और स्कूल की तो छुट्टियां चल रही है, तो सरकारी छुट्टी के तौर पर जितने पार्टिसिपेंट्स आज यहाँ थे एक दिन का अवकाश उनका आज मैं घोषित करता हूँ आज के इस भावना से।